हैप्पी फैशन मॉल नीर चौक अब जबरदस्त सेल ऑफर लेकर आ रहे हैं हमीरपुर। सेल 2 फरवरी से 28 फरवरी तक। लेडीज सूट 200 रुपए में एक सूट के साथ एक सूट फ्री। रेडीमेड शर्ट 500 रुपए में एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री। जीन्स 1000 में एक पैंट एक के साथ एक फ्री। जेंट्स ब्रांड में 20 से 50% की छूट। नुमेरो लिवाइस पार्क रेमन यूएस पोलो एलेन सॉली पेपे जीन्स। तो चले आइए गांधी चौक डोगरा कॉम्प्लेक्स अपर बाजार हमीरपुर। प्लीज कॉन्टैक्ट। बस सुविधा न मिलने के कारण ग्राम पंचायत चोरी के डूहक सहित अन्य क्षेत्रों के छात्र स्कूल से 7 किलोमीटर का पैदल सफर कर घर पहुंच रहे हैं। जंगली क्षेत्र से होकर घर पहुंचने वाले इन बच्चों के अभिभावक दिन रात इनकी चिंता में डूबे हुए हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब तक बच्चे घर नहीं पहुँच जाते इन्हें सुकून नहीं मिलता। घर से स्कूल जाते समय तो बस मिल जाती है, लेकिन स्कूल से वापस आने पर बस नहीं मिल रही। इस कारण मजबूरी में पैदल घर आना पड़ रहा है। जंगली क्षेत्र होने के कारण बार बार बच्चों को तेंदुए का सामना भी करना पड़ रहा है। जंगली जानवरों के भय के बीच बच्चे घर लौट रहे हैं। डूहक क्षेत्र के राजकुमार का कहना है कि शाम 4 बजे बस चलती थी, इस बस के सहारे बच्चे घर पहुंच जाते थे, लेकिन इन दिनों ये बस भी बंद चल रही है। राजकुमार गांव डूक। सर, हमारे बच्चों को जाने में तो चलो सुविधा है, बस जाती है, लेकिन शाम को 4 बजे कोई बस नहीं आती है और हमारे बच्चे 7 किलोमीटर जो है वो पैदल आ रहे हैं। तो और नहीं तो हमारे बच्चों को बहुत परेशानी है सर, बाघ का डर लगता है। परसों भी बाघ ने बच्चे घेर लिए थे। तो हमें ये चाहते हैं कि बस चलनी चाहिए सर, क्योंकि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि 7 किलोमीटर डिस्टेंस काफ़ी होता है सर। तो बस चलनी चाहिए, 4 बजे चलती है यहाँ से बाया कोट और कशीरी डूक हो गए, तो वो बस चलनी चाहिए। आपने अपनी परेशानी बताई, जैसे अड्डा प्रशासन में या प्रधान या प्रधानपुरों ने क्या? हाँ, हमने प्रधान को बताया था सर, प्रधान है बोला कि हमने आरएम को बता दिया है, लेकिन अभी तक कोई बस नहीं चली है। तो 3-4 दिन से अभी तो चलो स्कूल 3-4 दिन से शुरू हुए हैं, लेकिन बस तो जरूरी है सर, क्योंकि इतने बड़े थैले लेकर बच्चे पैदल आ जा रहे हैं। और नहीं बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को बच्चे को बाघ नहीं उठा रहे या कुछ ऐसी वैसी कोई परिघात बात हो गई तो फिर क्या फ़ायदा है ना हमारे बच्चों का। तो बस चलनी चाहिए, 4 बजे चलती है सर यहाँ से, तो वो चलनी चाहिए। बाकी हम तो ना, हमने तो क्या बोलना, बाकी तो आगे गवर्नमेंट की है। सर, क्या आप हमें बता देंगे कि कौन कौन से जगह से जो बच्चे हैं वो आते हैं और कौन कौन से जिनका स्कूल है वो कहाँ कहाँ पे है? और सर, कशीरी और पिपल से बच्चे जाते हैं, वो जाते हैं कोट है। और कुछ बच्चे जो हैं वो कशीरी पिपल गारा डूक से जो बच्चे चौरी को जाते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल को। और जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि वो कितने किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, वो भी आप बता दीजिए। सर, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं, सुबह तो चलो बस में जाते हैं, लेकिन शाम को पैदल आते हैं वो। तो हमें और नहीं है, हमें बस चलनी चाहिए सर, शाम को 4 बजे चलते हैं यहाँ से सुजानपुर के लिए बाया कोट कशीरी होकर। तो सर, ऐसे ही बोल सकते हैं हम तो, और तो क्या, लेकिन बस चलना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को बहुत दुख हो रहा है इसी बात का, क्योंकि बच्चे इतने बड़े बड़े थैले लेकर बहुत ये हो रहे हैं, नहीं परेशानी हो रही है, बाकी तो क्या है बस, लेकिन बस तो जरूरी है। थैंक यू सर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।